ऑनलाइन फॉर्म भरे गए होंगे, जो भी इस सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप में आते होंगे, उनको ये ऑप्शन वो बाय डिफॉल्ट पूछते हैं, आप आरटी में एडमिशन के लिए पात्र हैं, तो वो उस समय कहते हैं यस। तो जो भी यस किए होते हैं तो वो सब इस ऑनलाइन आरटी लॉटरी के लिए पात्र हो जाते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो टोटल, क्योंकि आप सब थोड़ा देरी में, मेरे पास अब समय नहीं बचा, 10-20 हो चुका है, तो क्या हम लॉटरी स्टार्ट कर सकते हैं? क्योंकि टाइम अमाउंट हमें कार्य कर रहे हैं, तो अभी एसडीएम साहब भी कुछ समय में आने वाले हैं, उन्होंने हमें परमिशन दी है कि आप लोग लॉटरी स्टार्ट कर, ठीक है? और इस पर लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है हमारे विद्यालय के फेसबुक चैनल। ठीक, स्टार्ट। सो हम सबसे पहले कौन सी कैटेगरी के लिए लॉटरी करने वाले हैं? आरटी। चलिए इसे तो आप देख पा रहे हैं, इसमें सीरियल नंबर दिख रहा है, पहला नाम दिख रहा है आपको, किसी ने, आप में से किसी ने भी क्या इसमें आवेदन दिया था क्या आरटी कैटेगरी के लिए? हरसाली अहिरवार, देख पा रहे हैं आप, हरसाली का नाम है मैडम इसमें, वो हम आपको इसलिए चेक करवा रहे हैं ताकि आपको मालूम चले कहाँ से। एक सेकंड सर, हरसाली अहिरवार का इसमें सीरियल नंबर क्या है? आरटी में कितने एडमिशन होने? 10। आप देख पा रहे हो वहां पर लिखा नंबर ऑफ सेक्शन अवेलेबल 1, नंबर ऑफ आरटी सीट अवेलेबल 10। सही, क्लियर हो रहा है? और किसी का नाम देख सकते हैं? शैलेंद्र का एसएच डालिए सर, एस शैलेंद्र दिख रहा है, शैलेंद्र चंद्रवासी, आपका नाम 55वें नंबर पे है, लेकिन इससे कोई घबराने वाली बात नहीं, जैसा हमने आपको दिखाया कि डेमो लॉटरी में भी जिसका 2 पे था वो सीधा 67 में चले। तो क्या हम लोग लॉटरी कर दें इसकी? तो हम लोग इसकी लॉटरी कर रहे हैं, कंडक्ट बटन में जाइए सर। अब आप देख रहे हैं इसमें लिखा दिस स्कूल कंफर्म, योर स्कूल कंफर्म कर रहा है कि डेमो लॉटरी की गई थी डेमो लॉटरी, ठीक है? और पेरेंट को समझा दिया गया है, स्कूल एंड पेरेंट अंडरस्टैंड कि कंडक्ट लॉटरी बटन डिसअपीयर हो जाएगा आफ्टर कंडक्टिंग द लॉटरी वंस। तो एक बार ये लॉटरी हो गई तो ये दोबारा कंडक्ट नहीं हो सकती जैसे डेमो में हो रहा था, इसमें एक ही बार होगा। प्लीज क्लिक कैंसिल इफ यू वांट टू अबॉर्ट, कैंसिल कर दो बोला, अगर आप नहीं करना चाहते तो हम तो एडमिशन करना ही चाहते हैं, तो हम ओके कर रहे हैं सर, ओके कर दीजिए। ये हमारे पास ये लिस्ट आ रही है प्रोसेस, देखिए आ गया है। हाँ दिखाइए दिखाइए दिखाइए, अब देखिए आप इसमें हम नाम बता पा रहे हैं आपको, 10 नाम हम बोलेंगे सर क्योंकि लाइव चल रहा है, जो देख रहे हैं उनको भी मालूम होना चाहिए। फर्स्ट नाम आप देख पा रहे हैं किसका है? ईशानी सोनी। सेकंड नाम किसका है? आराध्य आर्य, जिनका लॉटरी में पहले नंबर क्या था? 64 है, क्या समझ में आ रहा है? आरोही रजत। सातवें नंबर पे किसका है? वृषिका निरावरिया। आठवें नंबर पे किसका है? दिव्यांश चौधरी। नवे नंबर पे इताशा रोहित, और 10वें नंबर पे है आराध्या लोधी। क्या ये आपको क्लियर हो गया? सो ये लॉटरी कंडक्ट होने के बाद जो सिस्टम है उसने 10 नाम अपनी तरफ से दे दिए, और अगर आप गौर कर रहे हो 11वें नंबर से वेटिंग स्टार्ट हो गया, देखिए दिख रहा है उसमें वेटिंग लिस्ट 1 सर दिखा दीजिए, वेटिंग लिस्ट 1 में सोबित नामदेव यादव, देन संदर्भ ठाकुर वेटिंग 2, सोमिल सौर्या वेटिंग 3, संस्कार अहिरवार वेटिंग 4, मयंक कुर्मी वेटिंग 5, आयशा साहू वेटिंग 6, दिव्यांशु गुर्जर वेटिंग 7, योगिता पंती वेटिंग 8, आराध्य कुर्मी वेटिंग 9, रुद्रांश सेन वेटिंग 10। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। वैसे इसमें टोटल तो कितने फॉर्म आए सर आरटी के लिए हमारे पास? 132 कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था आरटी कोटे के तहत, जिसमें हमारे टॉप 10 हमारे इसमें क्या ये क्लियर हो गया सबको? सर इसको डाउनलोड कर दीजिए तुरंत, डाउनलोड आरटी लॉटरी को। हाँ ये हो गया हमारे पास डाउनलोड, इसको देखो ओपन कीजिए। ठीक है, इसको सेव कीजिए सर।
देखिए हमारी पहले इसको मिनिमाइज कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा देख पा रहे हैं आप, ये सिस्टम ने जनरेट किया है लॉटरी का रिजल्ट, ठीक है ना। इसमें इसने टॉप लॉटरी नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया, आपको क्लियर हो गया है, और इनके नाम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लॉटरी की तरफ मूव कर रहे हैं, उसको सर मिनिमाइज कीजिए, बंद कर दीजिए इस वाली आरटी लॉटरी को। हाँ, अब आगे बढ़ेंगे। अब तो हमारी फर्स्ट लॉटरी हो गई है, सेकंड लॉटरी अब हम मूव कर रहे हैं किसके लिए, डिफरेंटली इवेंट। डिफरेंटली इवेंट का कितना परसेंट रिजर्वेशन होता है, 3%, 3% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ओपन कीजिए, अब आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा है नंबर ऑफ सेक्शन एक, नंबर ऑफ डिफरेंटली एबल एससी सीट वन, एक दी जा सकती थी एससी कैटेगरी के तहत, ठीक है ना। लेकिन जो है हमारे यहाँ पर जो डिफरेंटली एबल है एससी कैटेगरी के लिए कोई भी आवेदन नहीं आया है, इसलिए इसमें आप देख पा रहे हैं लॉटरी का कोई भी ऑप्शन नहीं, तो आप देख पा रहे हैं नो एप्लीकेशन इन दिस कैटेगरी। क्या ये क्लियर हो गया आपको? तो हमें सेकंड लॉटरी कंडक्ट करने की जरूरत नहीं हो रही है। सेकंड लॉटरी कौन से कैटेगरी का था, डिफरेंटली एबल्ड, 3% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, एससी कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी। नेक्स्ट बढ़ेंगे नंबर थर्ड, इसमें भी आप गौर कर पा रहे होंगे, एक सेक्शन हमारा स्कूल है, एक सीट बन सकती थी डिफरेंटली एबल्ड एसटी कैटेगरी के अंदर, कोई भी एसटी कैंडिडेट नहीं आया है हमारी एसटी कैंडिडेट डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी, तो इसलिए यहां पर भी नो एप्लीकेंट, कोई भी एडमिशन नहीं होगा इस कैटेगरी। देन नंबर फोर्थ, ओबीसी एनसीएल, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डिफरेंटली एबल्ड नंबर ऑफ सेक्शन वन, नंबर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड ओबीसी एनसीएल सीट कितना है, वन। क्या क्लियर हो रहा है आपको? जी सर। तो यहाँ पर डिफरेंटली एबल्ड ओबीसी एनसीएल एप्लीकेशन टॉप 10 ऑफ आरटी लॉटरी। अब वो ये कह रहा है कि जो आरटी की जो टॉप 10 लॉटरी भी थी उसमें जो ओबीसी एनसीएल यदि अगर कोई आए हैं तो क्या उसमें डिफरेंटली एबल्ड कवरअप हुआ है, तो कह रहा है जीरो। यानी वो जो टॉप 10 जो आरटी की निकली थी उसमें कोई भी डिफरेंटली एबल्ड ओबीसी एनसीएल का नाम नहीं है, तो बाकी ये दो रह गए। तो आप देख पा रहे हैं ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में दो डिफरेंटली एबल्ड हमारे पास आवेदन आए थे, सीट कितनी दे सकते हैं इसमें, एक। एक, क्या ये क्लियर हो गया? अगर आप गौर करें ओबीसी एनसीएल की 11 सीट बनती है ओवरऑल, जो हमने बताया थी आपको 27% रिजर्वेशन होता है, और अगर 11 सीट का 3% निकाला जाए तो 0.33 हो रहा है, तो एक सीट उनकी बन जाती है। अब ये दो नाम आ रखे हमारे पास, अब इनमें से दोनों ही किसमें है, सर्विस कैटेगरी में, क्या ये क्लियर है? तो लॉटरी कंडक्ट कर सकते हैं इसकी, करिए सर कंडक्ट लॉटरी बोले। ओके, लॉटरी का रिजल्ट हमारे सामने आ गया, आप देख पा रहे हैं किसका आया है इसमें नाम, ओजस्वी विश्वकर्मा का नाम आया है, इनके पेरेंट्स कोई हैं यहाँ पर, ठीक है। और सेकंड नंबर के जो कैंडिडेट है उनका वेटिंग लिस्ट वन, तो अगर ये फर्स्ट वाले टर्न अप नहीं होते हैं तो सेकंड वाले का इसमें एडमिशन होगा। इसको सर डाउनलोड कर लीजिए, आगे बढ़े हम लोग। अब नेक्स्ट नंबर फाइव, डिफरेंटली एबल्ड ओबीसी सीएल या जनरल। अब हमने कहा कि डिफरेंटली एबल्ड तो किसी भी कैटेगरी को बिलोंग कर सकता है, वो एससी को भी बिलोंग कर सकता है, एसटी को भी बिलोंग कर सकता है, ओबीसी एनसीएल को भी बिलोंग कर सकता है, और इन तीनों के अतिरिक्त किसी और को भी बिलोंग कर सकता है। तो वहां पर भी हमारी कितनी सीट बनती है, देखिए आप गौर करिए, नंबर ऑफ सेक्शन वन और डिफरेंटली एबल जनरल और ओबीसी क्रिमिनल ईयर के लिए भी एक सीट बनती है, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही कैंडिडेट है, तो क्या लगता है आपको इसका नाम आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। एक सीट ही है और वही एक कैंडिडेट है तो उसका नाम तो आएगा ही, तो करिए सर कंडक्ट लॉटरी। चलिए नाम आ गए, क्या ये क्लियर हो गया? हाँ, मिनिमाइज कीजिए, आप थोड़ा सा होल्ड करिए सर यहीं पर। आप गौर कर रहे होंगे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में सारे काम जो है ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट मैनर में होते हैं, जिसका भी आप देख रहे होंगे या तो सेलेक्ट आ रहा है या तो वेटिंग आ रहा है, आया कि नहीं आ रहा है, और उसके बाद जो हमारा पोर्टल है आप इसमें गौर करिएगा, लॉटरी नंबर के बाद कॉलम दिख रहे, देखिए एडमिशन स्टेटस और रिमार्क, क्या ये क्लियर हो रहा है? तो अगर हम किसी एक कैंडिडेट को एडमिट करते हैं
तो हमें इसमें रिमार्क लिखना पड़ता है कि एडमिट हो गया है, और अगर हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्लिक करना होता है नॉट एडमिटेड, और उसका भी रीजन लिखना पड़ता है कि क्यों उसको एडमिशन नहीं दिया है। और ये सारे के सारा जो डेटा है ये हमारे हेडक्वार्टर में ज्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब हमने सर्विस कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं। सर्विस कैटेगरी वन में कितने कैंडिडेट्स हैं हमारे? 7 एप्लीकेशन आई है, और हमारे अभी तक आप देख पा रहे होंगे कितने सीट एडमिशन हो चुके हैं। अगर आरटी में कितने हो गए, मान ली अभी एडमिशन नहीं हुए हैं लेकिन प्रोविजनल नाम कितने हो गए आरटी में? 10। फिर डिफरेंटली एवर्ड एससी में कोई नहीं था, एसटी में कोई नहीं था, ओबीसी एनसीएल में था, दो थे उसमें से एक हुआ तो 11 हो गए मान लीजिए, और जनरल वाले में कितने था? एक, तो 12 हो गए। तो अभी भी कितनी सीट खाली बच रही है वैसे? 28, 28 हो रही है। और हमारे पास नाम कितने सर्विस कैटेगरी वन में? 7। तो आपको क्या लग रहा है, ये 7 का सिलेक्शन में आएगा या वेटिंग में आएगा? नाम सिलेक्शन में आना चाहिए। चलिए कंडक्ट कर दे लॉटरी। नाम एक बार पढ़ लेते हैं, अगर कोई देख रहा होगा वहां से, पृथ्वीराज यादव, ओजस्वी, ओजस्वी सिंह गुर्जर, कोई है यहाँ पर? अच्छा ठीक है, रुबल कोरी, निगम पाल, दिव्यांशी गुर्जर, अच्छा आप, दिव्यांश चौधरी, आराध्य लोधी, कोई पेरेंट्स? दो हमारे यहाँ दिख रहे हैं। सर कंडक्ट लॉटरी कर दें। जी सर, करें। किसी के आगे वेटिंग नहीं आ रहा देख पा रहे हो क्या? तो आप इसको भी सर डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट कैटेगरी में जा रहे हैं, सर्विस कैटेगरी 2। अभी हमारे कितने आए थे बताइए सर्विस कैटेगरी 1 में? 7। कितने हो गए बताइए, काउंटिंग बताएंगे? 10 आरटी, 1 ओबीसी, एनसीएल डिफरेंटली एवरी में थे 11, एक जनरल में 12, 7 ये हो गए 19, राइट। आप सेकंड में कितने नाम आए हैं? 3 ही फॉर्म आए हैं। क्या लगता है इनका सिलेक्शन हो जाएगा या वेटिंग में? तो कर दीजिए कंडक्ट लॉटरी। किसी के आगे वेटिंग नहीं आया? आप देख पा रहे हर जगह पे एडमिशन स्टेटस हमें बाद में अपडेट करना होगा और रिमार्क भी लिखना होगा। सर डाउनलोड कर लीजिए। कितने हो गए फिर आप काउंटिंग बताइए? 22 हो गए। लेकिन अब हम सर्विस कैटेगरी 2 हो चुके हैं। सर्विस कैटेगरी 1 का मतलब है केंद्र सरकार के कर्मचारी, कैटेगरी 2 का मतलब था केंद्र सरकार के ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारियों के बच्चे। अब हम जो है सर्विस कैटेगरी 3 में नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन को देखना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार का तो हो गया पूरा। अब हम राज्य में जाने से पहले ये देखेंगे कि जो रिजर्वेशन है वो पूरे हुए कि नहीं हुए, सही क्लियर हो रहा है? तो रिजर्वेशन कौन से बच गए? आरटी तो हो गया चलो 10, लेकिन जो एससी की 6 सीटें बनती है, एसटी की 3, और वैसे एसटी अगर नहीं है तो एसटी वाले उसमें मर्ज हो जाते हैं, किसमें? एससी। और अगर एससी नहीं है तो एसटी में मर्ज हो जाते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, क्या ये क्लियर है आपको? एससी एसटी आपस में मर्ज किए जा सकते हैं, ठीक है? तो क्या एससी और एसटी मिला के 9 हुए कि नहीं हुए, हमें तो नहीं पता। क्या ये जो अभी नाम आए हैं अभी तक कितने हो गए थे बताइए? 22। क्या उस 22 में 11 ओबीसी एनसीएल हुए कि नहीं हुए, ये कैसे पता? तो क्या होता है, पहली जो लिस्ट में एडमिशन होगा वो आरटी डिफरेंटली एबल्ड सर्विस कैटेगरी 1 और सर्विस कैटेगरी 2 का होता है, राइट। और फिर उसके बाद कैलकुलेशन की जाती है कि क्या एससी 6, एससी एसटी मिला के 9 और ओबीसी 11 पूरे हुए कि नहीं हुए, और अगर वो नहीं हुए तो पहले 40 सीट नहीं भरी जाएगी, पहले रिजर्वेशन को पूरा किया जाए। क्या ये क्लियर हो गया? तो सर्विस कैटेगरी 3 में ना जाके अगली लॉटरी नंबर किसका देख रहे हैं आप? एससी के। क्या ये आपको क्लियर हो रहा है सर? सबको क्लियर हो रहा है क्यों हम सर्विस कैटेगरी 2 के बाद एससी लॉटरी की तरफ किया गया है? चलिए करिए इसको। अब आप देखिए इसमें एससी के लिए कितने आवेदन आए थे? 37, राइट। अब हो सकता है इनमें से जो 30, ये सारे 37 दिखा रहे, देखिए सिस्टम यही देख रहा है कि इनमें से कितने लोगों का आरटीए में ऑलरेडी हो चुका है, वो 37 के 37 दिखा रहा है यहाँ पर नाम। क्या ये क्लियर है? और यहाँ पर हमें बोलेगा लॉटरी कंडक्ट करो। अब लॉटरी कंडक्ट करने के बाद क्या लगता है, वो अपने आप बता देगा किसका सिलेक्शन हो रहा है, किसका वेटिंग, या किसी का नहीं बताएगा? बताइए
यहाँ से अब वो मेरे हिसाब से किसी का भी नंबर नहीं बताएगा, क्योंकि ये यहाँ से कैलकुलेशन फिर हमें करना होगा कि आरटी में जो 10 एडमिशन हुए हैं भाई, हो सकता है जो स्टार्टिंग के 10 है उनमें से कुछ एडमिशन के लिए करना भी ना हो, तो 11वें नंबर का भी तो एससी हो सकता है, 12वें वाले का भी हो सकता है। क्या ये क्लियर हो रहा है? चलिए सर कंडक्ट लॉटरी कर लीजिए। ओके, You are about to view the SC lottery result. ठीक है, ओके करिए सर। अब आप गौर कर रहे हैं, जैसा हमने बताया था, सभी के सामने क्या दिखा दिया उसने? वेटिंग। यहाँ से अब जितने भी नाम आ रहे हैं, ये सब के सब वेटिंग ही दिखाया जाएगा, क्योंकि रिजर्वेशन का कैलकुलेशन करना होगा। क्या ये क्लियर है सर? जी। क्या ये क्लियर हो गया? तो सभी के सामने वेटिंग आ रहा है, जब ये SC OBC NCERT shortfall जब पूरा हो जाएगा तब हम अपनी थर्ड लिस्ट निकालेंगे। तो हम लोग तीन लेवल पे लिस्ट निकालते हैं। पहली लिस्ट आज ही क्लियर हो चुका है, जिनका सिलेक्शन सिस्टम ने ही दे दिया है। अच्छा, हम जो भी पिकअप करेंगे इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम जिसका भी एडमिशन करेंगे यहाँ पर हमें अपडेट करना होगा। क्या ये क्लियर है सर? सबको क्लियर है सर? मैडम चलिए सर इसको डाउनलोड कर दीजिए। तो हमने SC का ये रिजल्ट भी निकाल दिया है, SC कैटेगरी का। अब हम लॉटरी करेंगे कौन सी कैटेगरी के लिए? ST में आप देख पा रहे हैं दिस लॉटरी ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड, ये किया जा सकता है, ठीक है ना? लेकिन हमारे यहाँ पर कोई भी एप्लीकेंट ST कैटेगरी में नहीं आया, यानी कि अगर ST कैंडिडेट अगर 3 सीट दी जा सकती थी, अगर हमारे यहाँ पर ST के लिए 3 आवेदन हुए होते तो उनका 100% एडमिशन हो जाता, लेकिन कोई भी आवेदन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा? SC को इंटरचेंज किया। यस सर, क्या ये क्लियर हो गया? SC ST को मिला के 6+3 कितनी सीटें होती है? 9। रिजर्वेशन कितना है? 15% फॉर SC, 7.5% फॉर ST। सीट कितनी है? 40। 40 का 15% 6, 40 का 7.5% 3, 6+3 9। क्या ये क्लियर हो गया सर? तो हमारे यहाँ पर ये वाली लॉटरी क्यों नहीं होगी? क्योंकि कोई भी ST का आवेदन नहीं। आगे बढ़े हम, नेक्स्ट नंबर 9 तक हम पहुंच चुके हैं, 14 हमने टोटल करना है, 10th में आ गए। अच्छा बताइए, OBC नॉन क्रीमी लेयर की कितनी सीटें होती है? 11, राइट? अब वो 11 का हम आवेदक कितने आए हैं ओबीसी एनसीएल के लिए? 88। यहाँ पर 88 आवेदकों के नाम आ रहे हैं, हो सकता है इसमें से कोई आवेदक का ऑलरेडी किसमें नाम आ गया होगा? RP। हो सकता है इनमें से कोई आवेदक ऐसा होगा जिसका डिफरेंटली A1 में भी आया होगा, आया था कि नहीं आया था, एक नाम। और हो सकता है इनमें से कोई सर्विस कैटेगरी 1 में भी आ चुका है। देख लेंगे, अगर आप गौर करिए यहाँ पर सर्विस कैटेगरी 1 के ही कितने लोग हैं? 4। कितने दिख रहे हैं? 5। क्या ये क्लियर हो रहा है? यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास समय है और आपको हर क्वेरी का हम जवाब देना चाहेंगे। RTE की जो पहली लॉटरी हुई थी, सिर्फ उसी में ही सेवा श्रेणी का कोई भी रोल नहीं होता है RTE कैटेगरी के अंदर, यानी उसमें ऐसा भी हो सकता है कि सर्विस कैटेगरी 5 वाले का भी सबसे ऊपर नाम आ जाए, सिर्फ RTE में ऐसा होता है। बाकी जितने भी लॉटरियां होती है उसमें सेवा श्रेणी के आधार पर लॉटरी में नाम ऊपर नीचे होंगे, यानी जो सेवा श्रेणी 1 में होगा उसका नाम हमेशा ऊपर में ही रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि 1 में, जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, आप गौर करिएगा, इसमें पहला नाम किसका दिख रहा है? इसमें मुजस्वा सिंह गुर्जर। सेकंड नाम किसका दिख रहा है? निगम पर। थर्ड दिव्यांशी गुर्जर। चौथा नाम दिव्यांश चौधरी। पांचवा नाम आराध्या लोधी। अभी 5 में से हो सकता है कि इन 5ों में से कोई ऊपर नीचे हो जाए लॉटरी के बाद, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 1 के आगे 2 आ जाए, यानी सर्विस कैटेगरी 1 को 2 वाला ऊपर नीचे ले जाए। क्या ये सबको क्लियर है? कोई क्वेरी आपको, कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का है? डाउट सर, ओबीसी की कितनी सीटें हैं? एनसीएल की 11। अभी क्या ये सबका सिलेक्शन बताएगा या वेटिंग ही दिखाएगा? अभी सबका वेटिंग दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है 11 में से, उसको क्या पता कितने आरटी में एडमिशन चले जाएं,
देखिए इसमें कतई ये निश्चित नहीं होता है कि आरटी में टॉप 10 जिसका नाम आएगा उसका एडमिशन हो ही जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हुआ ही नहीं। क्या ये क्लियर है? इसलिए क्योंकि एक संभावना बनी रहती है कि जो टॉप 10 भी आए हैं उनमें से कोई एडमिशन ना ले तो, या मान लीजिए जिनका सर्विस कैटेगरी 1 में नाम आया है और ओबीसी एनसीएल भी है लेकिन वो एक्चुअल में सर्विस कैटेगरी 1 के है ही नहीं, तो क्या होगा? क्या ये क्लियर है? तो अगर किसी ने भी गलत फॉर्म भरे हैं तो उसमें सुधार नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। यानी अगर किसी का सर्विस कैटेगरी 1 में नाम आया है और वो उस कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता है तो उसका कैंसिल होता है। क्या ये क्लियर है? तो उस संभावना को देखते हुए सर्विस कैटेगरी 2 के बाद से जितनी भी लॉटरी हो रही सब में क्या आ रहा है? वेटिंग। आगे बढ़े हम लोग, चलिए करिए सेकंड टैब। ओके, देखिए नाम आ गया। अब आप गौर कर रहे हैं उजस्वा सिंह गुर्जर का सीरियल नंबर 1 ही था, वेटिंग के बाद भी 1 पे ही, लेकिन जो दिव्यांश गुर्जर था उसका सीरियल नंबर क्या था उसमें? 3। लेकिन वेटिंग के बाद कहां आ गया? लॉटरी के बाद 2 गया। क्या ये क्लियर हो गया? जैसे मैंने आपको बताया था कि कैटेगरी 1 वाले ऊपर ही होंगे और उसके बाद कैटेगरी 2 वाले होंगे, सर नीचे करिए थोड़ा सा, और उसके बाद कैटेगरी। आई होप ये सबको क्लियर है, इसको सेव कर दीजिए। कितनी लॉटरी हो गई सर? 10 हो गई है। अब हम किस में जा रहे हैं? सर्विस कैटेगरी 3। कौन आते हैं सर्विस कैटेगरी 3 में? राज्य सरकार के कर्मचारी। कितने आए हैं आवेदन? 39। कर दे लॉटरी कंडक्ट कर दे। हाँ कर दे। ओके, आप देख पा रहे हैं इसमें सब में वेटिंग आ रहा है। वेटिंग क्यों आ रहा है आपको क्लियर है? हमने कहा आपको जैसे सर्विस कैटेगरी 2 तक क्या होते हैं? केंद्र सरकार के होते हैं। केंद्र सरकार तक तो केंद्रीय विद्यालय में नंबर प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बाद वो कहता है कि आप आगे मत बढ़ो, पहले रिजर्वेशन को पूरा करो, और रिजर्वेशन पूरा होने के बाद अगर 40 में से कुछ सीटें बचती है तो फिर वो सेवा श्रेणी आगे बढ़ती है। आई होप ये सबको क्लियर है, डाउनलोड कर दिए इसको, आगे बढ़े। सेवा श्रेणी 4। अच्छा, किसी को आप बताइएगा अगर आपका सर्विस कैटेगरी आ रही है तो हम आपका नाम भी बता देंगे कौन से नंबर पे आया है। अच्छा सर, सर्विस एक बार कैटेगरी 3 के लॉटरी का पीडीएफ खोलिए, नीचे सेव है आपका, नीचे सेव कर लीजिए आपको ये सर, ठीक है आपको? हाँ खोलिए, बता दीजिए कोई। अभी सर हमें तुरंत बाहर भी लगा देंगे इसको, साइन कर। आपने बोल दिया सर्विस कैटेगरी 3 का क्या नाम बताया आपने? आराध्य। तो अच्छा लिखिए आराध्य, जरा स्पेलिंग बता दीजिए क्या लिखते हैं। हाँ डबल ए आर, हाँ मैं समस्त विद्यालय परिवार की तरफ से, समस्त युवा मंडल की तरफ से माननीय नामित अध्यक्ष महोदय और एसजीएम क्लासरूम सर का आज की इस ऑनलाइन लॉटरी के दिवस पे हार्दिक स्वागत करता हूँ सर। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कक्षा 1 के 40 सीटों के कुल आवेदन 200+ आवेदन प्राप्त हुए हैं सर, जिसमें से सर्विस कैटेगरी 1 के 7, सर्विस कैटेगरी 2 के 3, सर्विस कैटेगरी 3 के 39, सर्विस कैटेगरी 4 के 40 एंड सर्विस कैटेगरी 5 के 147 रजिस्ट्रेशन फॉर्म आए हैं। टोटल 210 फॉर्म है सर। इस तरह से अभी सर हमने जो भी पेरेंट्स थे उनको हमने डेमो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के गाइडलाइन सेवा श्रेणी और जो क्लास 1 का जो एडमिशन प्रोसेस है, पर्टिकुलरली जो रिजर्वेशन होता है आरडी का, डिफरेंटली एबल का, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल, उसके बारे में जानकारी दी सर। उसके बाद हमने जो भी सदस्य थे उनके उपस्थिति में हमने डेमो लॉटरी का भी आयोजन किया था सर, जिसमें हमने जो डमी नाम होते हैं उनको सिखाया, इनको ये बताया कि जो डमी लॉटरी होती है उसको आप कितने बार भी कंडक्ट कर सकते हैं,
सदस्यों को ये भी जानकारी दी गई कि 10:30 से लेकर 11:30 का जो फिक्स टाइम है वो हमारे भोपाल रीजन के सभी केंद्रीय विद्यालय को दिया गया है। उसके बाद सर हमने इनके सबको डिटेल्स में बताते हुए एक एक करके सर लॉटरी का आयोजन किया। टोटल सर 14 कैटेगरीज के अगर सर ऑनलाइन लॉटरी का आयोजन होना है। हम लोग सर दिखाइए पोर्टल सर, अभी तक हम लोग 11 लॉटरी कंडक्ट कर चुके हैं सर, स्टार्टिंग फ्रॉम आरडी लॉटरी। ऊपर दिखाइए सर, आरडी लॉटरी का हो चुका है सर। देन उसके बाद डिफरेंटली इवर्ट एससी लॉटरी भी हमने किया था सर, इसमें सर कोई भी आवेदन नहीं आए थे इसलिए इसमें लॉटरी नहीं हुआ। देन डिफरेंटली इवर्ट एसटी लॉटरी सर, ये भी कोई आवेदन नहीं थी तो उसका भी नहीं हुआ। देन ओबीसी एनसीएल में सर 2 आवेदन थे जिसमें से लॉटरी के बाद एक का सिलेक्शन लिस्ट में और एक का वेटिंग लिस्ट में नाम आया है सर। देन जनरल में भी सर डिफरेंटली इवर्ट का एक ही फॉर्म आया था। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर, डिफरेंटली इवर्ट का वैसे कोई रिजर्वेशन नहीं है लेकिन ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रखते हैं 3% का, तो जिस जिस कैटेगरी में ये बिलोंग करते हैं उनकी वो 3% सीट अपने लिए रखते हैं। तो उस हिसाब से सर ये डिफरेंटली इवर्ट का हुआ था। फिर सर्विस कैटेगरी 1 का हमने किया सर, जिसमें 7 सर आवेदन आए थे, और क्योंकि सर 40 सीट का एडमिशन होना था जिसमें से 10 आरटीए में नाम आ चुके थे, एक डिफरेंटली इवर्ट ओबीसी एनसीएल में आए सर तो 11, एक डिफरेंटली इवर्ट जनरल में आए सर तो 12, तो सर अभी भी 28 सीट वैकेंट बची थी सर। तो सर्विस कैटेगरी 1 की तरफ हम मूव किए जिसमें कुल 7 आवेदन आए थे सर, क्योंकि अभी काफी सीट बाकी थी तो 7 के नाम से चयन सूची में आया प्रोविजनल में। देन हमने सर्विस कैटेगरी 2 में गए सर, इसमें 3 ही आए थे सर तो तीनों का ही चयन प्रोविजनल चयन सूची में आया। तो इस हिसाब से सर 10 आरटी, एक ओबीसी एनसीएल 11, एक जनरल 12 डिफरेंटली इवर्ट, 7 सर्विस कैटेगरी 1 19 और 3 सर्विस कैटेगरी 2, तो 22 हो चुके हैं सर। अब क्योंकि सर केंद्रीय विद्यालय स्टार्टिंग में केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए ही बने गए थे, तो सर्विस कैटेगरी 1 केंद्र सरकार के कर्मचारी, सर्विस कैटेगरी 2 केंद्र सरकार की स्वायत्त संस्थाएं आती है वो पूरा हो चुका था। तो उसके बाद सर सर्विस कैटेगरी 3 में नहीं मूव किया जाता है, पहले आरक्षण की सीट पूरी की जाती है सर। तो सर्विस कैटेगरी 2 के बाद सर फिर आरक्षण की जो सीटें होती है सर एससी एसटी ओबीसी एनसीएल, इसकी तरफ मूव किया जाता है सर। यहाँ पर हमने सभी सदस्यों को ये भी जानकारी दी कि सर्विस कैटेगरी 2 के बाद जो भी नाम आएंगे, चाहे एससी का अगर हम देखें सर, एससी में सर हमारे पास 30 कैंडिडेट्स कितने हैं सर, 37 आवेदन आए थे और हमारे अभी आई थिंक सिर्फ 22 32 हुए हैं, उसके बावजूद भी ये सबको वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है सर, क्योंकि जो आरडी के जो 10 है सर उसमें सर हो सकता है एससी कवर अप हो चुके हैं या डिफरेंटली इवेंट में या सर्विस कैटेगरी 1 या सर्विस कैटेगरी 2 में, तो वो शॉर्टफॉल कितना रह गया है वो हमें मैन्युअली फिर कैलकुलेशन करना होता है। इसमें सर ये भी बताया गया कि आरटी में जो टॉप 10 नाम आए और उसमें बहुत सारे वेटिंग में, तो जरूरी नहीं जो टॉप 10 में आए हैं वो एक्चुअल में एलिजिबल हो, क्योंकि फॉर्म भरना एक अलग बात है और उस फॉर्म का वेरिफिकेशन के बाद अगर रिजेक्शन होते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडिडेट है वो भी तो एससी हो सकता है। तो जो पहले लिस्ट जो निकली थी सर एडमिशन की, उसमें सर हमें आरटी डिफरेंटली एवर्ट सर्विस कैटेगरी 1 सर्विस कैटेगरी 2 का सर हम पहले राउंड में उनका एडमिशन करेंगे। सेकेंड राउंड में फिर हम ये देखेंगे कि एससी एसटी ओबीसी एनसीएल की जो रिजर्वेशन है वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, तो जितना शॉर्टफॉल हुआ है तो फिर सर इस वेटिंग लिस्ट से सर उनका एडमिशन किया जाए। और उसके बाद अगर 40 में से 2 सीट बचती है सर तो फिर वो सर्विस कैटेगरी 3 ऑनवर्ड मूव करेंगे। सर हमने ये एससी एसटी ओबीसी एनसीएल सबका सर कर दिया है और सर्विस कैटेगरी 3 का भी सर हमने जस्ट अभी किया है सर, ये उसकी सूची थी सर और इसके बारे में भी हमने अभी सर सबको जानकारी दे दी थी सर। यहाँ पर कुछ हमारे पेरेंट्स भी थे सर्विस कैटेगरी 3 के, उनके भी हमने यहाँ पर नाम उन्होंने पूछे और हमने उनको बता दिया सर। अगर आपकी परमिशन है आप कुछ पूछना चाहते हैं सर्विस कैटेगरी 3 में कौन सा हमारा जो प्योर स्टेट गवर्नमेंट है सर, स्टेट गवर्नमेंट है और 4-5 में सर जैसे सेंट्रल की से ऑटोनॉमस होता है वैसे स्टेट भी ऑटोनॉमस, जैसे हमारे विद्युत वितरण है सर ओपन फिफ्थ ओपन टू ओपन। पिछले साल मैं आपको बताना चाहूंगा सर क्योंकि इस बार स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा नहीं है जैसे, और एज का क्राइटेरिया थोड़ा बढ़ गया था जिसके वजह से सर पिछले साल सर सर्विस कैटेगरी 5 तक भी एडमिशन गए थे, 5-6 एडमिशन सर्विस कैटेगरी 5 की भी हुई,
तो इसमें ऐसे कोई निराश होने की जरूरत नहीं है कि हमारा हुआ है कि नहीं होगा है। तो सर अगर आपकी परमिशन है तो मैं फोर्थ कैटेगरी का स्पॉन्सर हूं। हाँ वो तो सर इसमें हमने बताया है, मतलब पहले भी बताया है कि इनको ये भी बताया सर, आरटीई एक ऐसी लॉटरी होती है जिसमें सिस्टम जो है सेवा श्रेणी को कुछ भी मान्यता नहीं देता है irrespective of the service, क्योंकि वो RTE admission है, socially economically disadvantaged group को हमें ध्यान दे रहे हैं। बाकी जितनी भी लॉटरी हो रही है सर, उसमें हमने इनको बताया कि अगर आप गौर करेंगे सर्विस कैटेगरी जो है फर्स्ट वाला हमेशा ऊपर पे ही रहेगा चाहे कोई भी लॉटरी हो अदर देन आरटीई। और उसमें भी हमने ये आपको बताना चाहूंगा कि अगर एक पर्टिकुलर सर्विस कैटेगरी कैंडिडेट एक से ज्यादा है तो जिनके पिछले 7 सालों में नंबर ऑफ ट्रांसफर ज्यादा होंगे उनको ये सिस्टम हमेशा ऊपर देगा। पिछले 7 साल मतलब 31 मार्च 2023 से पीछे 7 साल है। तो आप देख पा रहे हैं सर इसमें जैसे सर्विस के, अभी हम सर्विस कैटेगरी 4 में जा रहे हैं सर, जरा दिखाइए मुझे नाम दिखाइए सर को दिखाइए सर, इसमें बहुत सभी सर्विस कैटेगरी 4 के हैं। अब इसमें सर जो हमारे फर्स्ट और सेकेंड है आप देख पा रहे होंगे सर, इसमें नंबर ऑफ ट्रांसफर इनके है 1-1, यानी पिछले 7 सालों में एक एक बार ट्रांसफर हुए। तो लॉटरी करने के बाद भी ये दो तो हमेशा ऊपर ही आएंगे, ये बात अलग है कि ये आपस में ऊपर नीचे हो सकते हैं। लॉटरी हो गई है सर, इसमें हम देख पा रहे हैं जो थर्ड नंबर पे जो कैंडिडेट है इनका सीरियल नंबर 7 था लेकिन लॉटरी के बाद ये वेटिंग में आ गए। अब आप गौर करेंगे इनका वेटिंग लिस्ट 42 दिख रहा है। अब आप कहेंगे 42 कैसे हो गए, तो 3 ही है, तो ये काउंट कहां से कर रहा है 39 से। आपने गौर किया होगा अब सेवा श्रेणी की वेटिंग बन गई है, तो सेवा श्रेणी थर्ड में 39 कैंडिडेट्स थे, तो ऑब्वियसली बात है 40 वाला पहला वाला 40 बनेगा, देन 41 एंड 40। इसको डाउनलोड करके सर सेव करते सेवा श्रेणी 4, 5, 5 सेवा श्रेणी 5 है सर, इसमें सभी ओपन थे कंटेक्ट कर ली 147 कर टोटल सर 147 सर्विस कैटेगरी में। हां डेमो लॉटरी आपको दिखाया था, डेमो लॉटरी जो थे यहां पर सर ये फेसबुक लाइव चल रहा है तो डेमो लॉटरी उसी में चलता है, सब दिखा रहा है और साथ-साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग के भी चल रही है। सेवा श्रेणी के भी नाम आगे सर आप देख पा रहे हैं, जिनका सीरियल नंबर 54 पे नाम था वो इसमें सर्विस कैटेगरी 5 में नंबर ऊपर आ गए, जिसका 105वें नंबर पे नाम था वो 2 पे आ गए, और जिनका 37 पे था वो 3 पे। तो ऐसा कुछ इसमें फिक्स नहीं है कि जिसका नाम ऊपर होगा तो वही आ गया है ऐसा कुछ। तो इस तरह से सर हमारी सर्विस कैटेगरी 5 का भी लॉटरी हो चुका है। और यहाँ पर सर हम जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि टोटल जो है 40 सीट के लिए एडमिशन होता है, और लेकिन जैसे मध्य प्रदेश में लाडली कन्या योजना है तो भारत सरकार का जो केंद्रीय विद्यालय है इसमें भी जो है सिंगल गर्ल चाइल्ड को हमेशा प्रमोट किया जाता है, और उसमें 2 सीटें बहुत सारे रिजर्वेशन थे पहले वो कोटा हुआ करते थे उसमें से कुछ कोटा हट गए, लेकिन आज भी जो है सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा यथावत बना हुआ है, 2 सीटों के लिए प्रत्येक सेक्शन में 2 सीट का सर प्रावधान है। यहाँ पर हमें सर कितना आवेदन आए सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए 16 आवेदन आए हैं, और ये सर्विस कैटेगरी 3 के इसमें 2 आवेदन है, सर्विस कैटेगरी 5 की भी कुछ आवेदन है सर। इसमें सर हमारा यहाँ पर ये कहना चाहेंगे सर कि 40 सिंगल गर्ल चाइल्ड का है यहाँ पर, तो इसमें फीस का कोई रिलैक्सेशन नहीं रहता है क्लास फर्स्ट में, 6 ऑनवर्ड जो होता है अगर ये सिंगल गर्ल चाइल्ड का स्टेटस इनका बरकरार रहता है तो 6 ऑनवर्ड इनकी फीस माफ होती है। तो यहाँ पर हमारी कोशिश ये रहती है सर कि आप जैसे सर्विस कैटेगरी 3 सर आप देख पा रहे हैं 2 ही एडमिशन होने ओवर एंड अबाउट, और दोनों ही सेवा श्रेणी 3 के हैं, तो बट नेचुरल है कि 3 वालों के ही नाम इसमें आएंगे और ये सेलेक्ट में भी दिखाएगा, लेकिन हम ये कोशिश रहती है हमारा और हमें इंस्ट्रक्शन भी रहते हैं कि सिंगल गर्ल चाइल्ड जो ओवर एंड अबाउट एडमिशन है ये हमेशा लास्ट में होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं लास्ट, क्योंकि ये 40 सीट भरने के बाद होते हैं,
तो यदि ये जो सर्विस कैटेगरी 3 के जो दो नाम है इनका अगर सेवा श्रेणी में ही एडमिशन हो जाते हैं तो फिर जो है सर्विस कैटेगरी 5 के जो नाम आएंगे उनका एडमिशन हो जाएगा। तो इससे जो है सबके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो सर ब्लॉकिंग कर दीजिए कर दीजिए। तो हमारे पास अवेलेबल हो गया है। कोई है यहाँ पर जिनका सिग्नेचर चाहिए था? ठीक आप एक दो नाम तो पढ़ी दीजिए सर। कोई लाइव देख रहे होंगे तो उनको मालूम चल जाएगा। वर्षिका नरवडिया, सर्वी जैन, देन संख्या शर्मा वेटिंग वन, कनिका तिवारी वेटिंग टू, नेहा जैन वेटिंग थ्री, पूर्वी चौरसिया वेटिंग फोर, जया प्रजापति वेटिंग फाइव। कितना ही काफी हम इसको जो है अपनी वेबसाइट पे भी हमें अपलोड करना होता है और हम एक कॉपी इसकी जो है बाहर पे भी लगा देते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि फर्स्ट राउंड में जो एडमिशन होगा वो आरटीई के जो 10 नाम आएंगे उनका, देन उसके बाद डिफरेंटली ए वन कैटेगरी वन कैटेगरी टू का सेकंड लिस्ट हम जो है कैलकुलेशन करने के बाद फिर शॉर्टफॉल इन एससी एसटी ओबीसी एनसीएल की निकालेंगे, वो हमारी सेकंड लिस्ट होगी और थर्ड लिस्ट हम निकालेंगे सेवा श्रेणी में साइन। क्या ये सबको क्लियर हो गया? आपका विद्यालय आने के लिए आपको अभी भी कोई डाउट पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमने लॉटरी तो करवा दी है और अभी इसका हम बाहर पे लगाएंगे, ठीक है ना? कहीं क्लियर? अभी हम इसको बाहर पे लगाएंगे। हाँ जी, नहीं देखिए अभी क्या है, लॉटरी तो हो चुकी है, ये तो ओला होल्डर है, ये हमारा ऑफिशियल होल्डर है और ये इसमें आपका एक्सेस नहीं है, ठीक है ना? तो हम वही कह रहे हैं ना अभी आपको, ये लॉटरी हमारी हो चुकी है, अब हम इसका प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, कमिटी का साइन करके हमारी कोशिश ये रहेगी एज अर्ली एज हम इसे बाहर पे भी लगा दें और हम तुरंत अपने वेबसाइट पर डाल देंगे, स्कूल की वेबसाइट सभी के लिए अवेलेबल। ठीक, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका भी एडमिशन हो आपको और जिनका नहीं वो भी निराश ना हुए क्योंकि वेटिंग में अभी जो भी नाम है उसमें बहुतों के एडमिशन होंगे। बाकी हमारे हेल्प डेस्क मेंबर भी हैं, हमने वेबसाइट में डाल रखा है, सबका नाम भी डाला है, कॉन्टेक्ट नंबर भी डाला, आप हमसे वार्ता कर सकते हैं। जिनका भी नाम जैसे हम सूची बनाएंगे सेकंड राउंड की थर्ड राउंड की उसको भी हम वेबसाइट में डालेंगे और हमारे सदस्य स्वयं आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। देखते हैं जैसे आप देखते हैं ना, तो ये है कि